Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our maths class. In this class, we will study the chapter 7, exercise C. Okay, इस exercise में बच्चों हमें equivalent fraction सीखना है कि equivalent fraction क्या होते हैं, ठीक है? Fractions which represent the same part of a whole are called equivalent fraction. वो fraction जो पूरे का same part बताते हैं, उन्हें equivalent fraction कहते हैं. देखिए अब इसको क्लियरली मैं आपको समझाती हूँ. जैसे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके टू पार्ट्स कर दिए, तो 1/2 ये है और 1/2 ये है, ठीक है. अब इन्होंने एक रेक्टेंगल के फोर पार्ट्स कर दिए, मतलब दो थे, दो का डबल फोर कर दिए, ठीक है. तो उसका भी ये जो है वो ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है, लेकिन ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है और ये 1/4 है. मतलब ये 4 में से एक वन पार्ट है, ये 4 में से वन पार्ट है, 4 में से वन पार्ट ये है, 4 में से वन पार्ट ये है. तो इसका जो हाफ होगा वो कितना होगा बच्चों, 2/4. इसका जो हाफ है वो कितना है, 1/2. मतलब ये 1/2 है, ये भी हाफ है, ये 2/4 है, ये भी हाफ है, ठीक है. अब इसके कितने पार्ट कर दिए इन्होंने, ये रेक्टेंगल वही है, बीच में से हाफ है, ठीक है. अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स इक्वल पार्ट्स कर दिए. तो हर एक पार्ट क्या हुआ, ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये 1/6 है, सभी पार्ट्स क्या है, 1/6 है, ठीक है. बट ये पार्ट क्या है, ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ठीक है. ये 2/4 है, बट ये इसका पार्ट क्या आ जाएगा, 3/6, ठीक है. ये 1/2 है, 1/2 हाफ है, इसका 2/4, 2/4 हाफ है, 3/6, 3/6 हाफ है. तो जब एक ही फ्रैक्शन के और भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, मतलब उसके बराबर के फ्रैक्शन होते हैं बट डिजिट चेंज हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं. मतलब ये हाफ आधे के बराबर तो है बट इसकी डिजिट चेंज हो रही है. तो अगर इसको हम लोएस्ट टर्म में करेंगे तो यही आएगा, मतलब 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6. है तो ये हाफ ही 1/2 ही है बट इसकी जस्ट डिजिट चेंज हो रही है, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, उसके बराबर के फ्रैक्शन है. यहाँ पे दो में से एक, देखो किसी दो चीज़ का आधा करोगे तो वो एक होगा, ठीक है, बट हो तो वो आधा ही रहा है ना. किसी छः चीज़ के, किसी एक चीज़ के छः टुकड़े कर दोगे और उसके तीन तीन अलग अलग कर दोगे तो आधा आधा ही कर रहे हो ना, कहने को वो आधा ही होगा बट नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है. तो वो उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. अब सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे लीस्ट किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, फिर 3 का करेंगे तो फिर एक और मिल जाएगा, फिर 4 का करेंगे तो और मिल जाएगा, ठीक है. इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते हैं. तो आइए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे. तो हमारी क्या है हेडिंग, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. हर एक फ्रैक्शन के हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है, ठीक है. तो जैसे सबसे फर्स्ट क्या है, 7/8, ठीक है. तो हम 7/8 में सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर हम 7/8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों साइड होगा क्योंकि फ्रैक्शन में जब मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से तो वो दोनों साइड करना पड़ता है. फिर 7/8 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 7/8 में 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 निकाल लेना, 1, 2, 3, 4, 5. फिर 7/8 में 6 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं. 2 का मल्टीप्लाई किया, 7 2s are 14, 8 2s are 16, इक्वल्स टू 7 3s are 21, 8 3s are 24, 7 4s are 28, 8 4s are 32, 7 5s are 35, 8 5s are 40, 7 6s are 42, 8 6s are 48, ठीक है.
तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो 7/8 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गए, 14/16, 21/24, 28/32, 35/40 एंड 42/48, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी नंबर्स के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमको कोई नंबर दे दिया 1/3, अब हम 1/3 के कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। वन बाय थ्री, अभी 7/8 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 1/3 का 2 से करेंगे, 1/3 का 3 से, 1/3 का 4 से, 1/3 का 5 से और 1/3 का 6 से, ठीक है। तो ऐसे ही हम हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। 1/2, 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 4 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, 1 5 ज़ा 5, 3 5 ज़ा 15, 1 6 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। ये क्या हो गए, ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल गए, ठीक है। ऐसे ही आपको सभी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। नाउ फोर्थ हेडिंग है बच्चों, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमें टू टू पेयर्स दिए फ्रैक्शंस के, हमें ये बताना है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसका सिंपल सा फंडा है निकालने का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हम किसी भी उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा अगर वो दोनों साइड हमारी इक्वल आएंगी तो हमारा मतलब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर नहीं आएंगी तो मतलब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। जैसे 4/5 एंड 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ठीक है। 4 6 ज़ा 24, इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25, क्या ये इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, हियर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, ठीक है। और देखिए 11/2 एंड 2/11, 11/2 एंड 2/11, 11 का 11 से, 2 का 2 से क्रॉस करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, तो 11 × 11 इक्वल्स टू 2 × 2, 11 × 11 121, 2 × 2 = 4, क्या ये बराबर है, नहीं है। तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, ठीक है। नाउ ये देखते हैं 8/25 एंड 16/50, इसको चेक करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का 50 से, 25 का 16 से, तो 8 × 50 इक्वल्स टू 25 × 16, ठीक है। 8 5 ज़ा 40 0, 400 आ रहा है, और 25 × 16 करेंगे तो भी कितना आएगा, जैसे कि 16 5 ज़ा 80 0 8, 16 2 ज़ा 32 + 8 40 400, ठीक है। 400 = 400, मतलब दोनों साइड प्रोडक्ट सेम आ रहा है, तो मतलब ये दोनों ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करना सीखेंगे, मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ठीक है। तो बच्चों आई होप सो आप सभी को इतना समझ आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करना और इसका वर्क कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।